नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे ट्रैवलिंग विद सनी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ चिकमंगलूर में। हम रेडी है निकलने के लिए। हमारा सामान पूरा तरह से पैक हो चुका है। इतना सामान मैं अपने साथ में कैरी करता हूँ। ये रूम का, होटल का। सो फ्रेंड्स, ये हमारी होटल का रूम बाहर का है। आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ होटल का। तो ये था होटल का व्यू। मैं यहाँ से पूरा बस स्टैंड दिखता है। तो राइट नाउ हम चेकआउट कर रहे हैं। मंदिर देख सकते हैं भैया। हम चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से होटल जाएंगे, यहाँ से सीधे बस स्टेशन जाएंगे। हाँ, रूम चाहिए। हाँ, रूम नंबर 202 है ना? या 202। सो दोस्तों, ये होटल थी। हम इस होटल में रुके हुए थे। अब यहाँ से हम निकल गए हैं। बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ मैं। यहाँ से कदूर के लिए बस लेते हैं। बाकी खैर, बस स्टैंड भी ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हैं, जस्ट पीछे ही अपने बस स्टैंड है। तो चलिए दोस्तों, अब बस में मिलते हैं। हेलो। तो दोस्तों, बस में बैठ गया हूँ मैं यहाँ से। तो बस लगभग चल भी दी गई है, चल दी है यहाँ से। कदूर जाना है, कदूर पे आज स्टे करना है। कल कोपा में परसों स्टे करेंगे, फिर उसके बाद आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और बीच में नज़ारे यार। दोस्तों एक बात कहूँ ना यार, यहाँ पे जो अपना रेगुलर खाने की है उसमें बहुत दिक्कत आ गई। सुबह मॉर्निंग होते से ही चावल, फिश, चिकन, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। अभी लिटरली बता रहा है, इतनी भूख लग रही है मुझे, पर मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। खैर, देखते हैं रास्ते में कुछ कहीं गाड़ी रुकेगी तो वहाँ से कुछ खाता हूँ। क्योंकि मैं बस स्टैंड पे जैसे ही आया वैसे ही मुझे लगी लगा बस मिल गई। सोचा था मैंने कि बस स्टैंड पे कुछ खा लूँगा, बट मुझे रेडी बस मिल गई तो मैंने बस में चढ़ना ज़रूरी समझा। क्योंकि मुझे टाइम पर पहुँच जाऊँगा तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा अपना। ठीक है, रास्ते में बस रुकती है तो खाते हैं कुछ। यहाँ का बस स्टेशन है, आप देख सकते हैं पूरा बस ही बस खड़ी है। कदूर में पहुंच चुका हूं मैं। यहां पे ज़्यादा कुछ घूमने लायक तो है नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको यहां का मार्केट दिखाता हूं मैं, यहां का आपको बस स्टेशन दिखाता हूं, सरकारी बस स्टेशन कैसा है। बाकी तो और कुछ है नहीं, आप देख सकते पूरा। फिर भी मुझे ऐसा कुछ लगेगा आपको एक्सप्लोर करने वाला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप जब तक देखिए, कदूर छोटा सा गाँव है, इसका आपको दिखाता हूँ मैं।
फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कदूर का लोकल मार्केट है ये। यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने लायक तो नहीं है जो मैं दिखा सकूँ आपको। छोटा सा मार्केट है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली हम कोपा पहुंचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। यहाँ से पूरा व्यू देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। थक बहुत एक्चुअली लंबा बहुत सफ़र लंबा काफ़ी था ये। अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में, पर लिटरली बता रहा हूँ आपको जो रास्ते में हमने व्यूज़ देखे हैं ना यार, दिल खुश हो गया वाकई में। इतनी खूबसूरती झरने देखने को मिले मुझे, इतने अच्छे अच्छे वो। आई होप आप इन्जॉय कर रहे हैं वीडियो को। तो कल हम जाएंगे श्री कमंडल नाथ कमंडल गणपति जी के मंदिर जाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं थक बहुत गया हूँ तो यहीं पे स्टे करूँगा मैं आज कोपा में। कल मॉर्निंग में जाएंगे वहाँ के मंदिर में और आपको वहाँ का मंदिर दिखाऊँगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं अभी और हम निकल चुके हैं श्री कमंडलनाथ गणपति जी के दर्शन के लिए।